क्योंकि जी बारदाने की बड़ी घाट है वो मंडी के आप देख लो जाके सारी मंडी एदी पई है कित भी कणक का जरा दाना नहीं भरया हो सू बारदाने का प्रबंध होंगे तक असं बैठे हाँ जब तक पुलिस आवे डंगर उठाल के साड़ सकते नहीं असं बैठे हाँ। एस डी एम ने साढ़े परसों चौथे वादा किया भी सोडे को आके सकत्र गलबात करूगा सारे सकत्र गलबात चलाऊगा पर शर्म की गल है भी एस डी एम आर्डर कट जाए तो सकत्र आपका मौजा न हड़लोबाजी करता फिर इतने की जोड़ी सरकार है मिली जुली इन्हों की एक गल है दस दिन तो इन्होंने साड़ी जी खरीद है परचेज है वह पिछे पाती सानू कारपोरेट कराने इतने साढ़े खेती फसल चो बाहर कर ढकन वास्ते मजबूर कर किसानों मंडियां च कोई दिक्कत नहीं आन दिती जाएगी ये पंजाब सरकार का वादा सी पर वादा सिर्फ दावा बन के रह गया इस गल की हामी ये तस्वीर भर रही ने जो तुहाडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ने तुसी देख सकते हो कि किस तरह किसान तहसीलदार दफ्तर के अंदर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसान अपनी फसल मंडी च ना विकन कारण परेशान हो रहे ने परेशान भी इन्ने कि आखिरकार अपनी फसल लई तहसीलदार दफ्तर के अंदर ही मोर्चा खोलना पिया जदों इस बारे साडे पत्रकार वल्लों किसानां दे नाल गलबात कीती गई तां उन्हां दा कहना सी कि एक तां उपरों मौसम खराब है ते पता नहीं रब केड़े समय की कर दे अजिहे च साडी फसल मंडियां च रुल रही है ते सरकार कोल साढ़े लिए बारदाना नहीं है। देखो जी असं तकरीबन तीन घंटे इन्हें गलबात करते रहे इन्होंने सानू कोई बाह नहीं फड़ाई क्योंकि जी बारदाने की बड़ी घाट है वो मंडी के आप देख लो जाके सारी मंडी एदी पई है कित भी कणक का जरा दाना नहीं भरया हो पर जो सू ना कोई हल लभ्या वो साढ़े को हल कोई है नहीं असी यदा घराओ किया है बैठे असं जो तक साढ़ा कोई प्रबंध सरकार करती नहीं सानू बारदाने का प्रबंध होंगे तक असं बैठे हाँ जब तक पुलिस आवे डंगर उठाल के साड़ सकते नहीं असं बैठे हाँ देखते हैं ये नायब तहसीलदार साहब ने मौके आए ने एस डी एम साहब अज है नहीं छुट्टी का दिन देखते हैं अगर की गल निकलती है जी बैठे अच्छा लगातार बैठा जब तक सा हल नहीं हों बैठे की कहते हैं गलबात नहीं जी हाँ असं असं भी ना बैठे वो भी ना बैठ गए जे साडे कोल एस डी एम साढ़े निर्धारित समय से नहीं आते असं सड़क भी घेरेंगे ये साडा फैसला जिहड़ा अटल फैसला है जिहड़ा असीं फैसला साडी जथेबंदी करदी हुंदी असीं उहनूं अटल रूप दे विच मतलब दिंदे आ गए उदों सही रूप दे विच सही दिशा दे विच लैण खातर जिहड़ी जबान चों कही थी उहनूं पगाउणे आ पगा के रहिणे आ हाँ करती पूरी पूरी कितों की है भी पानीपत करनाल तो एक ट्रक आया रात मैं इत्थे ही थी जिहदे विच सत्तर गठां दीआं सत्तर गठां दे विच जिहड़े फड़ दे उत्ते मैं थी उहनूं सिर्फ एक गठ मिली है जिहदे विच 500 बोरी थी उत्थे हुण इस टाइम बारदाने की लोड़ किन्नी है 10,000 गट्टे की किहड़ा कह रहा भी असीं बारदाने की घाट पूरी कर दी करन गल साडे नाल ग्राउंड ते आके गल करिया करन तां एस डी एम ने साढ़े ना परसों चौथे वादा किया भी सोडे को आके सकत्र गलबात करूगा सारे सकत्र गलबात चलाऊगा पर शर्म की गल है भी एस डी एम आर्डर कट जाए तो सकत्र आपका मौजा नाल हड़लोबाजी करता फिर तो ग्राउंड के उत्ते आके साढ़े नाल गलबात नहीं करी बारिश पै रही थी मीह पै रहा थी सकत्र ठेठर करता फिरता थी भी बई बा आपदिया ढेरियां ढक लो ढेरियां ढक लो मैं ये गल कहना भी मैनू दसदा तो सही वह दसदा उत्थे रुकता दो मिनट असी पुछते भी इनू ढकी कहदे नाल इत्थे दी जिहड़ी सरकार है मिली जुली इन्हां दी इक गल है दस दिन तो इन्होंने साड़ी जिहड़ी खरीद है परचेज है वह पिछे पाती तो दस दिन सानू ये इत्थे ठिठ करनगे इन्हां दे मतलब यही चीज़ है भी तो कारपोरेट घराने जिहड़े इन्हां नूं हुक्म दिंदे ने इहनूं लागू कर इन महीने लागू करन जा रहे ने ये करन दी स्कीमां दे विच ने सानू कारपोरेट घराने इत्थे साढ़े खेती फसल चों बाहर कर ढकन वास्ते मजबूर करनगे सानू अजे तक पहुँचया नहीं असीं उन्हां नूं टाइम दित्ता होया नहीं पहुँचया
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਵਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 240 ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ